17 दिसंबर को खैबर पास सिविल लाइंस में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक एल्डरली लेडी का पर्स स्नैच हुआ था और पर्स स्नैचिंग की वारदात के दौरान वो ई रिक्शा में जा रही थी जिसमें ई रिक्शा से गिरने से उनके सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई थी। इससे वो अस्पताल में भर्ती हुई थी और 21 दिसंबर को उनका निधन हो गया था। जो हमने इसमें रॉबरी विद ग्रीवियस हर्ट की एफआईआर दर्ज की थी और एक बार जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद इसमें मर्डर के सेक्शंस ऐड कर दिए गए थे। इस पे स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की टीम ने लगातार काम करते रहे हम, और हमने इसमें जो सिंगल पर्सन था जिसने ये बैग को स्नैच किया था जिस वजह से उस महिला की मृत्यु हुई उसको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट के साथ ही साथ महिला का जो बैग था जो इसने स्नैच किया था वो भी रिकवर हो गया है। पैसे उसमें जो थे वो उसने खर्च कर दिए हैं, उन पे अभी आगे तफ्तीश बाकी है। इसमें बताने की बात ये है कि ये जो अक्यूज्ड है ये काफ़ी सालों से स्नैचिंग करते आ रहा है, 2003-2004 से ये स्नैचिंग कर रहा है और ये बैग स्नैचिंग ही करता है। जो थोड़ी फॉरनर या उस तरीके की वृद्ध महिलाएं होती हैं जो अपने केस को ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाएंगी उनको ही टारगेट बनाता है और अपने क्राइम करने में काफ़ी डिसिप्लिन्ड तरीके से क्राइम करता है ताकि पकड़ा ना जाए। मैक्सिमम टाइम ये जब पकड़ा गया है तो ये मौके पे पकड़ा गया है और फिर इससे और भी एफआईआर उस टाइम पे जो इन्वॉल्वमेंट है उनमें इनको अरेस्ट किया गया है। बट एक बार ये अगर मौके पे ना पकड़ा जाए तो ये अरेस्ट नहीं हुआ है। इस अरेस्ट के साथ ही साथ सिविल लाइंस की ये एफआईआर खुलने के साथ ही साथ 7 एफआईआर पूरे दिल्ली की स्नैचिंग बैग स्नैचिंग की इनमें ये वॉन्टेड था और उनको भी हमने सॉल्व कर दिया है। ये एफआईआर 2 लाजपत नगर की थी, 3 हजरत निजामुद्दीन पीएस की थी, 1 मालवीय नगर पीएस की थी और 1 नई दिल्ली पीएस तिलक मार्ग की थी। तो ये नई दिल्ली के इलाके में भी और मॉडल टाउन मुखर्जी नगर तिमारपुर मॉरिस नगर सिविल लाइंस इस इलाके में ये बैग स्नैचिंग की वारदातों को करता था। इसमें हमारी टीम की टीम की जो इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज है उसका इस चीज से पता लगता है कि ये टोटली ब्लाइंड केस था और इसमें सीसीटीवी से भी कोई क्ल्यू नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ये उन जगहों से निकला जहां पे सीसीटीवी कवरेज बहुत ज्यादा थी नहीं। इसके बावजूद हमारी टीम ने जो बहुत ही ग्रेनी सीसीटीवी फुटेज आई थी उससे और जो मोटरसाइकिल कंपनी के मैकेनिक्स होते हैं उनकी मदद से ये पता किया कि ये मोटरसाइकिल का एग्जैक्ट कौन सा मॉडल हो सकता है जिससे ये किया है और फिर उससे आगे बढ़ते हुए इस केस को खोला है। इसमें बीच में ये भी पता लगा था कि इसने जो मोटरसाइकिल खरीद रखी है वो अपने एक किसी एसोसिएट के नाम खरीद रखी है, तो हमें इनिशियली उस एसोसिएट पे शक हुआ था जब हम मोटरसाइकिल्स को चेक कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये एसोसिएट जेसी में था तो हमें ये पता लग गया था कि ये इस एसोसिएट ने किया नहीं है। बाद में जब उसके बैंक ट्रांजैक्शंस देखे गए तब देखा गया कि इसने कुछ पैसे उसको ट्रांसफर कर रखे हैं इस मोटरसाइकिल खरीद के लिए। उस तरीके से हमें इसके ऊपर ज्यादा शक होने लगा, साथ ही साथ इसमें फिर मुखबिरी भी हुई जिसकी वजह से हमें और ज्यादा विश्वास हो गया कि इसी ने ये वारदात की है। इसमें 2 और पेक्यूलियर चीज है इस क्रिमिनल के बारे में। पहली चीज ये अपने नाम पे कभी कुछ नहीं करता था, इसके पास जितने भी इसके एड्रेसेस मिले हैं जितने भी इसके कार्ड्स मिले हैं सारे फेक मिले हैं। ये जो भी गाड़ियां खरीदता था वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम खरीदता था या किसी एसोसिएट के नाम खरीदता था और ये स्नैचिंग जब करता था तो उस मोटरसाइकिल से करता था, चोरी की मोटरसाइकिल से नहीं करता था ताकि ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जनरेट हो। उन मोटरसाइकिल्स पे भी ये जब स्नैचिंग करता था उस टाइम पे नंबर प्लेट हटा देता था ताकि कुछ लिंक ना बन पाए। तो इतना शातिर होने के बावजूद हमारी सिविल लाइंस और स्पेशल स्टाफ की टीम ने इसको पकड़ा है और इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व किया है। नाम क्या है, कहां से?